तो मैंने, मेरी आंख से एकदम हंसू निकल आए बात करते करते करते, एंड मैंने भाई को बोला, भाई आई एम फीलिंग कि वो यही है। एंड सलमान भाई भी वॉक करके पीछे चले गए, स्विमिंग पूल की तरफ चले गए, और आसमान में देख के वो भी रोने लगे। पैदा होने से लेके उसके जाने तक मैंने कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसने मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा। मेरे को बोलता था, साजिद भाई कोरोना चल रहा है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तुम मत निकलो। मैं कैसे उसको छोड़ दूंगा, भाड़ में गया साला कोरोना वोरोना। और आपका जब इंटरव्यू हुआ था तब भी उसने मेरे को ये बोला था, बोले साजिद भाई इनके इंटरव्यू बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत पढ़े लिखे और रिसर्च करके ही आते हैं, तो आराम से इनसे बात करना। एंड उस वक्त ऐसी न्यूज आई कि वाजिद का इंतकाल हो गया और कुछ कुछ हमारे जान पहचान के लोगों ने मतलब ऐसी न्यूज गलत निकाल दी, उन्होंने मुझसे बात करना भी ठीक नहीं समझा। मगर सोनू साहब ने जो कुछ भी बोला वो मुझे बहुत तकलीफ दी। साजिद भाई, जी बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। और आप खैरियत से हैं? थैंक यू फरीदन। जी हाँ मैं ठीक हूँ। अब जाके आस्ते आस्ते बोलते ना, हर चीज ठीक हो जाती है, वक्त हर चीज ठीक कर देता है, तो आस्ते आस्ते आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट के सब ठीक हो रहा है। मम्मी का भी रोना धोना थोड़ा सा कम हुआ है, घर वालों का भी, और मेरा तो खैर चल ही रहा है, कभी कभी हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, जाहिर सी बात है, जितना आपका जैसा आपका रिश्ता था, विच अरे इज वो मेरा मतलब वो मेरा बॉस भी वही था, मेरा बड़ा भाई भी वही था, मेरा बच्चा भी वही था, मेरा छोटा भाई भी वही था, मेरा दोस्त भी वही था। मतलब जब उसको ऐसा लगता था कि उसको बॉस बनना है या बड़ा भाई बनना है तो 1 सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। एंड इतनी मोहब्बत थी हम लोग में, इतनी फ्रीडम थी, हम लोग एक दूसरे के साथ इतने इजी रहते थे। साजिद भाई, एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपने अभी रिसेंटली आपने डिस्क्लोज करा है कि दैट यू विल कंटिन्यू बीइंग साजिद वाजिद। आपका जो भी गाने आपके आएंगे, दे विल कंटिन्यू बीइंग एज साजिद वाजिद, विच इज आई थिंक वंडरफुल। ये तो होना ही चाहिए मेरे ख्याल से, और ये तो होगा ही, और मेरे ख्याल से मरते दम तक ये चीज चेंज नहीं होगी। अब पता नहीं कोई अगर इसके बीच में कुछ राड़ा डाल दे तो बात अलग है। नहीं, लेकिन जिस तरीके की मोहब्बत आप लोगों के लिए है पूरे इंडस्ट्री में, मतलब वाजिद भाई के इंतकाल के बाद में, चाहे वो सलीम सलीम मर्चेंट हो, चाहे वो तलत अजीज साहब हो, चाहे वो शान हो, चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे कोई भी हो, हिमेश का मैं भी देख रहा था सारे सारे गामा पे, तो हर किसी का जिस तरीके का एक मोहब्बत की आउटपोरिंग हुई है वाजिद भाई के लिए, आप लोगों की फैमिली के लिए, वो आई थिंक बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होता है। जी हाँ, वाजिद उस किस्म का इंसान भी था, और वाजिद सबसे संयम से मिलता था और सबसे ही मोहब्बत करता था। उसको कभी कंपटीशन का सेंस नहीं होता था कि ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं या ये मेरे ऐसे हैं, वो ये सब चीजों पे बिलीव नहीं करता था। और उसके बड़े गिने चुने दोस्त होते थे जिनको मैं उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ, जिनको वो दोस्त बोलता था, जिनके साथ वो बहुत क्लोज रहता था। तो वो बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी था, ज्यादा वो नहीं, मतलब आप यकीन मानिए मेरे जितने दोस्त थे वो ही दोस्त उसके थे, और जब वो उसके दोस्त हो गए तो मेरे से दोस्ती उनकी कम हो जाती थी। तो खैर वो वाजिद के साथ रहते और मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी अपने दोस्तों में से परखता था कि कौन है जो वाजिद के कैलिबर में और वाजिद की तरह, क्योंकि वो नॉन नॉनसेंस बंदा था, वो गाली वाली नहीं देता था, ना गाली देने वालों को पसंद करता था, ना ही वो बदतमीज लोगों को पसंद करता था। तो उसके यार दोस्तों के अंदर भी ये सब सिलेक्शन होना बहुत जरूरी था। तो उसके थे इस टाइप के दोस्त जो बहुत ही मोहब्बती और बहुत प्यारे थे, और वो सबका अजीज था और सबसे दिल से मिलता था वो। साजिद भाई, जब वाजिद भाई का इंतकाल हुआ, एंड बहुत ही मुश्किल आप लोगों के लिए वक्त रहा, वालदा को भी आपकी, उनकी भी तबीयत खराब हुई, और आई एम श्योर कि दैट सिंस आप एक हेड ऑफ द फैमिली थे, वो कैसा दौर रहा था, वो जून की शुरुआत से लेकर कैसा दौर था आपके? बस क्या बताऊं, हम लोग एक्चुअली किसी को कुछ, हम लोग बोलते होते तो थे नहीं कि किसी से कुछ प्रॉब्लम ये वो। हमने सोचा था, मैंने सोचा था कि वाजिद निकल आएगा, सबको ही होती है इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर हमारा मेडिकल सिस्टम इतना अच्छा है और सब कुछ ठीक है। एंड माशाल्लाह से हम लोग बाबू को जानते हैं, हम लोग ऐसे भी लोग नहीं थे कि जो बेचारे जिनका जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, जिनको कोई पहचानते नहीं, मगर सब कुछ लगाने लुगाने के बाद भी है ना, मतलब जो मालिक को मंजूर था वो हुआ यार। मैं तो आज भी उस दिन को कोसता हूँ जब वाजिद घर आ गया था, वाजिद वापस से लास्ट टाइम हॉस्पिटल जाने से पहले जब घर आया था तो ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड वो बहुत खुश था कि मैं घर जा रहा हूँ।
और मैं बोले साजिद भाई तुम मेरे को, तो मैं बोला हाँ मैं लेने आऊंगा। मैं वाजिद को हमने चेंबूर हॉस्पिटल में रखा था, डॉक्टर प्रिंस सुराना इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ वाजिद, और बहुत ही उन्होंने बहुत मेहनत भी करी है उस हॉस्पिटल में, उसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखा जाता था। आजकल हमने देखा मेडिकल के अंदर भी लोग बाग यू नो डॉक्टर्स का भी काफी टेंशन हो जाता है कि कितना भी अच्छा आप कुछ भी आप खर्चा कर लो मगर आपको वो दवाइयां बराबर से होती नहीं है। तो वी वर वेरी कीन ऑन के प्रिंस सुराना, डॉक्टर प्रिंस सुराना वाजिद को हैंडल करो। उसने बहुत अच्छे से हैंडल भी किया और वाजिद निकल आया था, वाजिद मेरे ख्याल से निकल आया था जब लुबना ने उसको, माय वाइफ शी गेव हिम द किडनी, तो उसको इस बात का एहसास हुआ था और वो हंसता था कि बोले अभी ये ऐसा हो गया, और हम लोग को काफी टेंशन हुआ था उस दौरान, बिकॉज किडनी इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू गो थ्रू विद, मगर ऊपर वाले के कर्म से वो मैच हो गई, किडनी मैच हो गई और बहुत सारी तकलीफें आई किडनी के टाइम पे भी। फरीदुन आई वांट टू लाइट यू, मतलब प्रेस वाले वो सब भी हमारे पीछे लगे, उनको लगा कि ये शायद कुछ गलत तरीके से किडनी अक्वायर ना करें ये कि ना, हमारे को समझ भी नहीं आया क्या करें। बट उस दौरान माय वाइफ शी केम आउट एंड शी डिड दैट व्हिच इज वेरी वेरी डिवाइन थिंग टू डू फॉर समवन, यू नो किसी के लिए अपने अंग का पार्ट निकाल देना। खैर इतनी बड़ी कुर्बानी हुई तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से एक उम्मीद हो गई थी कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई है उसकी भाभी ने, उसकी भाभी माँ ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है, तो डेफिनेटली उसकी दुआएं और हमारा सबका साथ उसको खींच के ले आएगा, और खींच के ले आया था। बिलीव मी, जब ये कोरोना हुआ तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो गया था, तो मैं नहीं चाहता था कि वाजिद हॉस्पिटलाइज हो और वाजिद हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि जब हर चीज ही सब करनी थी तो मैंने वाजिद को समझाया, मैं बोला यार वाजिद मैं उसके पास जाते रहता था हमेशा, तो मैंने उसको बोला भी कि वाजिद यार मेरे को नहीं लगता कि कोरोना का चक्कर है, मेरा जो भी ट्रीटमेंट है अपन घर पे करवाएंगे और तू घर पे चला जा। हमने अपने घर में मम्मी के घर में एक रूम बाकायदा आप यकीन मानना हॉस्पिटल बना लिया था, उसके हॉस्पिटल के बेड वेड और वो सब उसको पूरा क्या क्लीनिंग व्लीनिंग हाइजीन क्या करते हैं वो सब हमने सब कुछ करवाया उसके लिए ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आने जाने वालों को रिश्तेदारों को मना कर दिया गया था, सब लोग वीडियो कॉल पे थे, वो वीडियो चैट पे भी था हमारे सब रिश्तेदार जितने भी बच्चे हैं हमारे उन सबके साथ, उसको बड़ा मजा आने लगा था, सब सबसे बात करने लगा था, ये करने लगा, रिकवर कर गया था। बट जब वो घर आया, घर पे आया आखिरी बार वो करीबन एक हफ्ते के लिए आया घर पे, उस एक हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल से रात के टाइम पे उसको कुछ ब्रीदिंग में थोड़ा अनईजी हुआ तो वो थोड़ा घबरा गया क्योंकि कोरोना का चक्कर चल रहा था, कोई ज्यादा आवाज जवाब भी नहीं थी, सिर्फ मैं ही घर जाता था और कोई नहीं, तो वो थोड़ा घबरा गया। और दूसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल में ही रहेगा, और वो लोग गाड़ी में जब बैठ के जब जाने लगे, वो वाजिद मम्मी मर्जीना जाने लगे, तो उसने मुझे फोन किया, तो सुबह का वक्त था तो मैं सो के उठा था, तो मैंने बोला सुबह सुबह वाजिद ने फोन किया, मैं बोला शायद ये बुला रहा होगा मैं जाता हूँ, तो मेरे को बोलने लगा अरे भाई वीडियो कॉल करके, तो मैं बोला कहाँ जा रहा है, तो बोलने लगा भाई यार कल रात को थोड़ा सा अनईजी हुआ और बोले मैं ना हॉस्पिटल में बहुत कंफर्टेबल हूँ और हॉस्पिटल में इन लोग मेरा ध्यान भी बहुत रखते हैं, वहाँ की नर्स वर्स और वहाँ के जो बॉय हैं वो मेरे दोस्त यार बन गए, वो लोग मेरे से अच्छे से बात बात करते रहते हैं, मैं उनको म्यूजिक व्यूजिक सुनाते रहता हूँ, मेरा दिल लग जाता है, और बोले प्रिंस ने भी अच्छा रूम। तो मैंने बोला कि यार वाजिद तू अभी जा रहा है, मैं बोला अभी ये कोरोना, बोले यार कोरोना क्या हॉस्पिटल में रहूंगा तो मच बेटर हूँ। तो मेरे को संभव उसने मुझे वो लास्ट टाइम पे कन्विंस कर गया, मगर फरीदुन अब मैं क्या, मेरी तो चीज ही चली गई, अब मैं क्या बोलूं, मगर उस वक्त मेरे दिल में खटकी थी ये बात, मेरे दिल में खटकी थी, मैं उसको जाने नहीं देना चाहता था, मैं उसको ये बोलना चाहता था कि वाजिद अभी, और मैं मेरा प्लान प्लान सब बन गया था, मैं तो अब्रॉड स्विट्जरलैंड के अंदर मेरे यार दोस्त हैं वो लोगों ने घर वर वाजिद के लिए सब बना के रेडी करके रखा था, बाला मेरा दोस्त है तो वहां पर उसने घर वर बना के रखा था, और उसने बोला था साजिद भाई वाजिद को लेके आप आ जाओ यहाँ पर और वाजिद भाई यहीं पे रहेगा और हवा पानी चेंज होगी, और हमारा प्लान था कि मेरा ये प्लान था कि वाजिद को लेके एक डेढ़ महीने के लिए मम्मी को लेके लोगों घर वालों को लेके मैं चला जाऊंगा और वाजिद का जरा हवा पानी चेंज होगा, बोलते ना हवा पानी चेंज होता तो हर चीज पर, मगर शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था और उसको इस तरीके से ये कोरोना कोरोना को मेरे भाई नजर आया। तो खैर इतने सब लोग भाग गए हैं, इतना परेशानी हुई है, मैं क्या बताऊं अभी। मैं जब अपने भाई की तकलीफ सोचता हूँ तो मैं दुनिया की तरफ देखता हूँ तो दुनिया में पता नहीं कितनों के माई भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार उनके साथ ये सब प्रॉब्लम हुआ, तो मैं क्या किसी को कुछ बोलूँ बस। मगर मैं उस वक्त लाचारी फरीदुन, इतना काम किया हमने, पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाई, मगर है ना जब जब किसी चीज की अहमियत नहीं है, जब एक चीज सामने खड़ी हो जाती है ना
आपका पैसा जीरो हो जाता है, आपके रुसुकात जीरो हो जाते हैं, आपकी दुआएं कोई काम में नहीं आता, किसी चीज के नहीं है, बस वो होना था और कहीं ना कहीं वो हो गया। और फिर उसकी डेथ के टाइम पे भी थोड़ा सा कुछ न्यूज़ेस गलत वलत आ गई, कुछ लोगों ने, हमारे यार दोस्तों ने कुछ गलत न्यूज डाल दी, उसकी वजह से मेरे को बहुत परेशानी हुई। मतलब वाजिद उस वक्त जिंदा था, वाजिद था और हम लोग लड़ रहे थे, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस वक्त मेरा दिल क्या हो रहा होगा और मैं किस चीज से गुजर रहा होगा। एंड उस वक्त ऐसी न्यूज आई कि वाजिद का इंतकाल हो गया और कुछ कुछ हमारे जान पहचान के लोगों ने मतलब ऐसी न्यूज गलत निकाल दी, उन्होंने मुझसे बात करना भी ठीक नहीं समझा एंड पूछना भी ठीक नहीं समझा, और उन्होंने खुद ब खुद आगे बढ़ बढ़ के पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया ऐसा कि उन्होंने ये सब चीज निकाल दी। और वो उनकी जो न्यूज आई उसके बाद वाजिद वाजिद था तभी, वाजिद 5-7 घंटा था तभी भी, और उसके बाद जो लोग बागों ने मुझे फोन किया, अब जो परिजन जो मेरा दिल घबराया है ना मतलब मैं बता नहीं सकता यार दोस्त, मैं बहुत परेशान हुआ उस टाइम और मेरे घर वाले सब बहुत परेशान हुए। मतलब हमारा भाई था उस वक्त, हम लड़ रहे थे उस वक्त, और उस वक्त ऐसी सब न्यूज़ें आना, ये सब बातें करना, और सब मतलब माशाल्लाह से मैच्योर्ड और काबिल लोग हैं जिन्होंने ऐसी मतलब बेवकूफी वाली हरकत कर दी एंड उससे बहुत प्रॉब्लम हुआ हमको, बट खैर ठीक है कोई बात नहीं। नहीं, आई थिंक जिस तरीके से आपने हैंडल किया है, ना सिर्फ अपने आप को, अपने पूरी फैमिली को जिस तरीके से आपने हैंडल किया, आई थिंक दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। परिवर्तन करना ही पड़ता है, पापा रहे नहीं, जब तक पापा थे मैं अपने आप को छोकरा ही समझता था, मैं सोचता था कि हाँ मैं बहुत फ्री हूँ और बहुत मजे की लाइफ जीता हूँ, मगर जब पापा का इंतकाल गया तब मेरे को शायद पहली बार एहसास हुआ कि घर का बड़ा होना क्या मतलब होता है। And otherwise, I was always, I have lived my life very, very boyish, very, you know, enjoy, happy-go-lucky kind of a person. किसी के लेने देने में नहीं, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, किसी के घर वर जाता नहीं हूँ, किसी की पार्टी वार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो हम अब रहते। मगर हाँ, जब पापा का जब इंतकाल हुआ तो हमारे घर में जो जिम्मेदारी का जो माहौल जो चेंज हुआ, उस वक्त मेरे ख्याल से वाजिद और हम सब लोगों ने मिल के रियलाइज किया कि हम लोग बड़े हो गए, और वहां से एक जर्नी चली। और जब हम अमेरिका गए हुए थे, हमने वो कनाडा क्रिकेट लीग करी थी, तो उसके लिए मैं वाजिद को ले गया था, हम लोग कनाडा और अमेरिका गए हुए थे, तो हमने वहाँ शो वो किया था, तो वो सारे पैसे लेके वाजिद डिट्रॉयट चला गया, बोले भाई मैं एक दिन के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, बोले वहां से स्टूडियो का कुछ सामान आ, तो मैंने उसको सब पैसे दे दिए, मैंने कहा ले, मैंने सिर्फ $2,000 लिए अपने खर्चे के लिए, मैंने बोला तू ले और तू जा, मेरा बिंदास जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। और वो जाके आया और वो बहुत खुश था और बहुत मतलब सब सामान अमन लेके आया स्टूडियो के, बोले भाई अपने स्टूडियो का देखो ये सामान मैंने ये सिलेक्ट किया है क्या, तो उसको उसको स्टूडियो बनाना था, तो मैंने वो पहली बार मतलब मैंने उसके दखल अंदाजी नहीं दी, वो खुश था, उसको मजा आ रहा था कि मैं इंटीरियर वालों से भी मैं, तो मैं पहली बार वाजिद को देखा, वाजिद वो आदमी था जो एक कप चाय बना के नहीं पीता था, हमारे घर में हम लोग मतलब उसको वो राजा की तरह, हम मम्मी भी और हमारे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, सब उसको इस तरीके से ट्रीट करते थे। मतलब जब वो मेरे घर में भी आ जाता था ना, तो मेरे को ऐसा रियलाइज होता था कि मेरा औरा गया नीचे वाजिद आ गया, तो हम सब लोग मिलके मतलब वाजिद हमारे लिए हमारी दुनिया है, हमारे भाई बहन हमारी दुनिया है यार फरीदुल, अब क्या बोलूंगा, बट हाँ ये माहौल चला उस वक्त निकल गया। साजिद भाई, लुबना जी, आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, आई थिंक बहुत कमाल की आपकी वाइफ हैं, एंड जो उन्होंने जो किया है ऐसा लगता है कि तो फिल्मों में सुनते हैं, जो कि आपकी फैमिली में जिस तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, आई थिंक वो तो सिर्फ फिल्मों में देखा है या फिर सुनने में आई है, उनका क्या रिएक्शन था जब जब ये इंतकाल हुआ उनका, तो टूट गई वो टूट गई, और वो कैसे टूटी वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने ही टूटी, वो मेरी वाइफ ज्यादातर लोग बाव के सामने माशाल्लाह से काफी पढ़ी लिखी है और काफी कुछ मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई है और काफी अच्छे घर की और बड़े घर की है, मगर वो फिर भी वो बाहर निकलना, बाहर सबसे बात करना उस टाइप की नहीं है वो, तो जब वो टूटी तो वो मेरे सामने टूटी और बहुत रोई, बहुत रोई, और शिट हमें समझ में नहीं आता हर ये आजकल मेरे को क्या हो गया यार, मैं अभी उधर भी गया था जी पे, वहां पर भी मेरा जो चीज मुझे जरा सी भी पसंद नहीं थी, रोना धोना,
और वही चीज अब मेरे साथ होने लगी। खैर वो टूट गई, बहुत बुरी तरीके से टूटी, और मेरे को बोले नहीं, बोले साजिद इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती थी अपने भाई के लिए, अपने वाजिद के लिए। बोले जितना भी हो सकता है, एक पांव पे खड़ी थी वो। मम्मी मम्मी का तुम देखो, इतने साल वाजिद वाजिद मेरे ख्याल से 1.5-2 साल तक हॉस्पिटलाइज के चक्कर में रहा। फरीदून आप यकीन मानना, मेरी माँ 70+ है, मगर वो एक दिन भी उस औरत ने छुट्टी नहीं दी। हम लोग बोलते थे, इनफैक्ट तो वो सीधे बोलती थी, वो भाई मेरे को मेरे बच्चे के पास रहने दो। बोले मैं इसके पास रहूंगी। मैं बोला मम्मी बाहर ये सब, बोले कोरोना फरोना फाड़ में गया, बोले मेरे को किसी का लेना देना नहीं, मेरी औलाद यहाँ पर है, मैं उसके पास हूँ और मैं बहुत सुकून में हूँ। हॉस्पिटल का बेड पे, वो सोफे पे सो जाना, खाना पीना नहीं, मगर हैट्स ऑफ टू माई मॉम, यू नो के इतने साल तक का किसी का ध्यान रखना। और वाजिद की दुनिया भी मम्मी थी। वाजिद 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 जिस किस्म का लड़का था, माँ बाप उसके लिए मतलब उसकी उसका डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल, उसकी मंजिल कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से थी कि माँ बाप की सेवा करने से आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती है और आपको जन्नत मिलती है, ऐसा बोलता था। तो मैं बोलता हाँ सही बात है। तो वो सब चीजें थी। ओके साजिद भाई, मैं आपका जो अपीयरेंस था इस पे सारेगामापा पे मैं देख रहा था, और आपने बताया कि आपको लगता है कि वाजिद भाई आपके पास में आके बैठ जाते हैं और आपसे बात करते हैं। यू नो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था साजिद भाई, मेरे वालिद का इंतकाल करीबन 8 साल पहले हुआ, तो मैं जब भी उनकी खबर पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा एहसास होता है कि वो है वहां, दैट आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू हिम। द मोमेंट मैंने आपकी वो बात सुनी कि वाजिद भाई आपके पास में आके बैठ जाते हैं और आपसे बात करते हैं, मुझे एहसास हुआ कि ये मतलब आई कुड रिलेट टू इट। भाई मैं तुमको क्या बताऊं, लोग बाग मतलब कहानी किससे भी बनाते हैं इस किस्म के, मगर आई डोंट नो। मैं पापा जब से गए हमारे, तो पापा हमारे, हमने पापा को सुलाया यहाँ पर, पापा यहाँ सो रहे हैं वर्सुवा का जो कब्रस्तान है, तो वहां पर, तो मैं वहीं पे जाता हूँ। मैंने हर चीज अपनी वर्सुवा की तरफ कर रखी है बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि मेरे फादर के पास मैं दोपहर में अगर मैं बोर भी हो रहा हूँ तो मैं उठ के कब्रस्तान चला जाता हूँ, शाम को होता है तो शाम में चला जाता हूँ, रात में तो रात में चला जाता हूँ। और कहीं ना कहीं अपने बाप से हम कनेक्टेड रहते थे वाजिद और मैं, और वाजिद को भी हमने वहीं पे रखा है ताकि मैं जाता आता रहूँ। वरना मैंने देखा है लोग बाग अपने माँ बाप को दफनाने के बाद बहुत कम जाते हैं, लोग बाग जाते नहीं जो जिंदगी के अंदर, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे। तो मैं नहीं चाहता था कि पापा को कहीं पे भी रखा है या वाजिद को कहीं पे, मेरे को वहीं रखना है कि जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा और जहाँ मैं जा सकता हूँ, जहाँ मैं जाना जाता रहता हूँ। अब बाजू में मस्जिद है, मैं वहाँ नमाज पढ़ने जाता हूँ, तो वहां से निकल के मैं उन लोगों से मिलने, तो मेरी हफ्ते में मतलब वैसे दिन में 2-3 मुलाकात हो जाती है, हफ्ते में 3 बार हो जाती है। और मैं वाजिद के बारे में क्या बताऊँ आपको कि मुझे क्या एहसास और महसूस हो रहा है, मैं बोल नहीं सकता यार फरीदुन। मतलब मेरे घर में है ना, मुझे रात को नींद नहीं आती यार। आजकल मैं बहुत जल्दी उठने लगा हूँ, सुबह में उठ जाता हूँ, बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, और कितनी बार रात रात को ऐसा होता है कि घबराहट होती है। तो ये स्टार्टिंग में रहा मेरे को, बिगिनिंग में रहा, और फिर मैं एक बार जब सलमा भाई के पास हम लोग, मैं गया, सलमा मैंने मेरे को बुलाया बिकॉज वो भी कोरोना की वजह से वो भी वहां पर है, तो उन्होंने, उनका दिल नहीं मान रहा था बिगर मुझसे मिले हुए, तो मुझसे मिले, हमारा हमारे बीच में बहुत रोना धोना भी हुआ। भाई बहुत अफसोस किए, वो वाजिद उनके बहुत दिल के करीब था, और मतलब मेरे साथ तो खैर सलमान भाई का हंसी मजाक है, ये है वो है, मगर कहीं ना कहीं वो वाजिद को है ना, वाजिद छोटा था, मेरे से भी छोटा था, मैं भी भाई से छोटा हूँ, मगर वाजिद की वो इज्जत करते थे और वाजिद को बहुत प्यार करते थे, और वाजिद को वो हमेशा हमें, और जब वो साथ में रहते थे तो हमारा टारगेट वाजिद होता था। मतलब हम लोग अगर हंसी मजाक भी कर रहे हैं तो वाजिद के साथ दे रहे हैं, और जहाँ उनको ऐसा लगता था ना कि हाँ वाजिद थोड़ा बुरा फील कर रहा है तो फौरन साइड बदल के वाजिद के साइड हो जाते थे, और फिर मेरी खिंचाई होती थी तो ऐसा होता था। और फिर जब हम लोग ये सब करने के बाद जब दोनों भाई साथ में होते तो हम सलमान भाई के मजे लेते थे तो बहुत खुश मिजाज था। और ये उसका प्रेजेंस मेरे को, तुम यकीन नहीं मानो कितनी बार गाड़ी के अंदर मेरे को ऐसा फील होता है, कभी मैं चलते रहता हूँ, कितनी बार रेडियो पे उसकी आवाज आ जाती है, रेडियो पे उसकी आवाज आ जाती है। मेरे घर में वाजिद के काफी पिक्चर्स हैं हमारे, अभी होने के बाद तो और भी लगा दिए। तुम यकीन नहीं मानो फरीदीन, सुबह में मैं उठता था ना, जब अर्ली मॉर्निंग में उठता था ना, मेरे को अर्ली मॉर्निंग उठ के अकेला बैठना है ना, ऐसा होता था ना
तो मैं जब मेरे को एहसास होने लगा तो मेरे को घबराहट सी होने लगी, तो मैं अपने आप से चिढ़ बोलता था कि घबरा क्यों रहा है, घबरा क्यों रहा है, फील योर ब्रदर इनसाइड, फील योर ब्रदर इनसाइड। एंड मैं और मैं ना गैलरी पे खड़ा होके ना ऐसे हाथ ऐसे करके मैं बोलता था, वाजिद आजा आजा मेरे गले लग जा, मैं बोला कम इनसाइड मी ब्रदर, कम इनसाइड मी। एंड ऐसा मैं बोलने लगा और मेरे को जब शर्मा भाई के यहाँ गया तो तब मैं सिटिंग दे रहा था। अच्छा, हम जब सिटिंग दे, वाजिद इज अ फैंटास्टिक सिंगर, मेरे से 100 गुना बेटर सिंगर है वो, सिंगर था। और तो वो गाना गाता था और मैं पीछे से पर्कशन, और मैं भी उसको अकॉम्पनी करता था, ये करता। अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, अब मेरे को भी गाना भी करता है, पर्कशन भी बजाना पड़ता है, गाना समझाना भी पड़ता है। तो मैं जब सलमान भाई के सामने वो कर रहा था तो वी बोथ रियलाइज के वाजिद की कमी हो रही, वाजिद नहीं है। आई फेल्ट दैट के वाजिद नहीं है। एंड मैं ऐसी बात कर रहा था और रात का टाइम था, और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि वो आया और मैं ऐसे करके सामने बात कर रहा हूँ, यूं कर रहा हूँ, सलमान भाई सामने सब लोग ऐसे ऐसे खड़े गए, यहाँ एक चेयर खाली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से कोई आया और आके यहाँ बैठ गया और बैठ के मेरे को ऐसे करके देख रहा। तो मैंने ऐसे चेयर की तरफ देखा तो मैंने पहली बार तो मेरे को लगा कि क्या हो रहा है साजिद, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस, सबके सामने तू ऐसे क्यों देख रहा है, मतलब लोग बार पता नहीं क्या समझेंगे, क्या वहम है तेरा। तो मैं ना ऐसे मुस्कुरा के मैंने कुछ बोला नहीं और मैं इधर उधर देख के फिर ऐसे करने लगा। तो मेरे को विद इन 2-3 मिनट के बाद अगेन सेम झटका, मेरे को अंदरूनी मेरे मेरे तो गूजबम खड़े हो रहे हैं अभी भी, मेरे गूजबम खड़े हो गए कि ऐसा लगा कि आपके साला यहाँ बैठ के हंस रहे हैं कि देखो अब अकेले पड़ी ना तुमको, अब कर रहे हो अकेले तो ऐसा हंस रहा है। तो मैंने मेरी आंख से एकदम हंसू निकल आए बात करते करते करते। एंड मैंने भाई को बोला, भाई आई एम फीलिंग कि वो यही है। एंड सलमान भाई भी वॉक करके पीछे चले गए, स्विमिंग पूल की तरफ चले गए, और आसमान में देख के वो भी रोने लगे। तो हाँ, ऐसा फील होता है मेरे को रात को सोते वक्त, है ना, ऐसा होता। पहले मैं घबराता था मगर अब है ना तो यकीन नहीं मानेगा फरीदुन, अब मैं वेट करता हूँ, अब मैं वेट करता हूँ कि मेरी नींद में हो, मेरे साथ ऐसा कुछ हो, मेरे साथ ऐसा हो, मेरे को कोई परवाह नहीं, मैं रात में उठ भी जाऊं तो कोई मेरे को वो नहीं। मैं अभी अभी मैं उसको मतलब उसकी यादें अगर मुझे परेशान करती है तो मैं हाथ खोल लेता हूँ कि आजा आजा, मैं वेट कर रहा हूं। या खैर, ये तो जिंदगी भर तक रहेगा। पता है यार, हम वो दो भाई हैं, जब वो पैदा हुआ था ना, पैदा होने से लेके उसके जाने तक मैंने कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसने मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ा, हम साथ में थे, हम साथ में थे। मेरे को बोलता था, साजिद भाई कोरोना चल रहा है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तुम मत निकलो। मैं कैसे उसको छोड़ दूंगा यार, भाड़ में गया साला कोरोना, वोरोना भाड़ में गई सारी मौत, मैं मेरे भाई को कैसे छोड़ दूंगा। होता है कोरोना हो जाए, मरना है मौत आ रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं मेरे भाई को छोड़ नहीं सकता था। वो जो एवरी डे मेरे को देख के है ना, वो मेरे को देख के से मुस्कुराता था, और मेरे पास मैसेज है, वो मेरे को मैसेज करता था, मेरी वाइफ को, मम्मी को बोलता, साजिद भाई जब आते मेरी जान में जान आ जाती है, मम्मा बोले साजिद भाई को देखता हूँ ना, बोले साजिद भाई मस्त आदमी हो, पहले मेरी हरकतों के ऊपर बहुत टोकता था वो, फिर बाद में मेरे को बोलने, बोले नहीं मैं गलत था साजिद भाई, तुम सही थे, बोले मैंने बहुत लोगों की परवाह करी, टेंशन लिया काफी लोगों का, मेरे को नहीं देना चाहिए था, मेरे को जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए जिस तरीके से तुम बोलते हो ये। और मैं उसको एक ही बात बोलता था, जान है तो जहान है, मैं बोला हर चीज तेरी तू सही कर सकता है जब तेरे अंदर जान होगी, मैं बोला इस तरीके से वीक फील करेगा, दूसरों की बातों का बुरा मानेगा, किसी किसी की बातों का बुरा मान के तू सदमा ले लेगा, तो मैं बोला वाजिद ऐसे कैसे चलेगा। तो मेरे को बोलता था, बोले भाई मैं क्या करूं, मेरा दिल बड़ा हसास है, बोले मैं जिन लोगों को प्यार करता हूँ अगर वो लोग मेरे को कुछ ऐसी बात करते तो मेरे दिल पे जाके लगती है। और मेरे ख्याल से हाँ ये सब था उसके साथ, तो वह मोहब्बती आदमी था, तुम यकीन नहीं मान सकते, उसने ऐसे ऐसे लोगों को, जिन जो लोग उसके इंतकाल के बाद मेरे सामने आए, उन लोगों ने कैसे कैसे लोगों की मदद करी, वो किसी की तकलीफ सुन नहीं पाता था, उसके अंदर ये बात थी, वो अपनी किसी की तकलीफ और अपनी तकलीफ नहीं बताता था, वो कभी मायूस रहता था तो मैं पूछता भी था, बोला क्या प्रॉब्लम है यार, कुछ नहीं यार साजिद भाई, थोड़ा सा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैं बातचीत कर रहा था, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं बोला मेरे से बात कर, मेरे से, बोले अरे क्या बोलूं यार साजिद भाई, सब अपनी अपनी, सबके अपने अपने, बोले बोले अपनी इज्जत अपने हाथ में है। तो मैं सोचे चुप हो जाता था, मैं ठीक है,
मैं बोला परवाह मत कर, बोला खुश रहा कर, खुश रहा कर। और बहुत जिंदा दिल, खाने पीने का शौकीन, नाच गाने का शौकीन, हंसी मजाक का उसको इतना शौकीन था, बदतमीजी कभी नहीं करता था। मैंने आज तक वाजिद के मुंह से कोई गाली नहीं सुनी। कोई बुरा भी करता था तो मैं थोड़ा सा रिएक्ट करता था, डेफिनेटली अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो मैं रिएक्ट करूंगा, मगर वो मुस्कुराता था, वो हंसता था, हर बोलता बोले जाने दो इसको उसके के हाल पे। वो ये बोलता था दोस्तों को, दोस्त अगर गलती करते हैं तो उनको उस गलती का एहसास होने तक का मौका देना चाहिए, उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। बोले फौरन ही उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, उसका ये नहीं करना चाहिए, उन्हें चुप हो जाना चाहिए। एंड हकीकत बात है, चुप हो जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आप वाजिद भाई की प्रेजेंस को आप फील करते हैं एंड नाम साजिद वाजिद जो है वो आगे जाने वाला है, आपका आपका गाना जो है 14 अगस्त को रिलीज होने वाला है जो कि आपने एज अ ट्रिब्यूट आप करने वाले हैं वाजिद भाई को, और तालीम म्यूजिक के अंडर, तालीम म्यूजिक को, तालीम को लेकर वो जो आप लोगों का पूरा स्टूडियो और आप लोगों का जो पूरा एक सेटअप था उसको लेकर ही वॉज वेरी वेरी पैशनेट। मुझे याद है उन्होंने किस तरीके से मुझे स्टूडियो बुलाया था आप लोगों के, कैसे मतलब पैशनेटली वो बता रहे थे आप लोगों ने साथ में। And I'm lucky that I could do that interview with you and Vajay bhai. I'm really lucky to do that. So agar aap please is tribute ke bare mein batana chahe ki jo aap Vajay bhai ko aap 14th August ko dene wale hain. Yaar Faridun meri hai na, ab ye puri zindagi hai na, ye puri zindagi hi tribute hai uski. Uski yaad mein to main ek gana do gana to khair bol nahi sakta, aur मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, अब वो मेरे साथ नहीं है, वो कंपोज नहीं करता है, मगर कहीं ना कहीं उसकी चीजें, उसकी आदतें, उसकी स्माइल, वो क्या करता था, किन गानों में क्या लगाता था, ये मुझे पता है और किसी को पता नहीं है। और अभी जो ये गाना आ रहा है 14 तारीख को हम रिलीज कर रहे हैं 15 अगस्त के लिए, वो वाजिद की याद में मैंने बनाया था। उसमें कुछ लिरिक्स है, कुछ अल्फाज है जो मैं वाजिद को हॉस्पिटल में बोला करता था कि मैं उसको बोलता था, वो मेरे को जब मना करता था कि मत आया तो मैं उसको ये बोलता था कि मैं बोला यार वो सांसें किस काम की जो तेरे काम ना है, मैं बोला ये मेरे वजूद इतना साल रहे, अगर तेरे काम नहीं आया मैं, तेरे लिए अगर नहीं आ पाया तो फिर क्या फायदा है मेरा। और मैं उसको बोलता था, मैं बोला वाजिद याद है तेरे को, मैं बोला बहुत बहुत परेशानी हमारे सामने आई और उस परेशानियों के टाइम पे हम लोग काफी परेशान भी हुए, मगर मैं बोला ये फेज है, ये वक्त है, ये टल जाएगा। मैं बोला एक दिन ऐसा आएगा कि ये बीमारी बीमारी उसको इंजेक्शन लगना, ये लगना, मैं बोला ये सब चीजें तू भूल जाएगा, मैं बोला ये सब तेरे को याद भी नहीं रहेंगी, मैं बोला वक्त निकल जाएगा। और मैं बोला वाजिद हमको अभी और जिंदगी बहुत जीनी है, बहुत सारा काम करना है, अपनी कितनी सारी रिश्तेदार हैं, बहनें हैं जिनकी हमको शादी करवानी है, हमारे बच्चे हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, उसके दो बच्चे हैं अर्शी एंड रेहान, वो उनके ऊपर ध्यान। बोला हाँ साजिद भाई, बोले मेरे बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना है, और उनकी वो अर्शी बोले म्यूजिक सीख रही है, रेहान तो अभी छोटा है, तो ये होता था। मैं कभी अब्रॉड चले जाता तो अपने बच्चों के लिए मेरे से शॉपिंग करवाता था मेरे से, उसको मेरी टेस्ट पसंद था, वो बोलता था कि जब तुम जो लेके आते हो ना वो बहुत कमाल होता है, मैं उसके लिए भी शॉपिंग मैं ही करता था। वो जो सारे गामा में अभी बीच में जज बना था ना, तो जितने भी कपड़े पहनता था मैं सब उसके लिए बाहर से लेके आता था, मेरे को बोलता था यार तुम्हारा टेस्ट बहुत कमाल है, और बोले तुम लेके आया करो, और उसके बच्चों के लिए कपड़े मंगा के चुपचाप रख लेता था मेरे पास। तो मैं बोलता था ये क्या कर रहा है, बोले बोले अभी उसका कुछ कुछ जब सीन होगा ना तो मैं कभी उसको ये दूंगा, कभी ये दूंगा, किसी दिन वो फुटबॉल खेलने जाएगा तो मैं, वो छोटा सा फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल खेलने जाएगा ना तो बोले मैं उससे मिलने जाऊंगा तो ये फुटबॉल वाली टी शर्ट और ये पैंट उसको दूंगा। तो उसकी लाइफ में यही सब था, और बहुत खुश मिजाज आदमी था वो, कभी अपनी चीजों के ऊपर रुबाब नहीं करता था, और सखी आदमी था, देना यार दोस्तों को बहुत मोहब्बत करता था वो, अपने यार दोस्तों को, मतलब वो ऐसा आदमी है कि जो अपना अपना मुंह का निवाला निकाल के दूसरे को खिला दे, वो उस किस्म का आदमी था। अगर उसके दोस्त को जरूरत होती थी उस वक्त करियर की तो वो अपने करियर को आगे पीछे करके अपने दोस्तों के लिए आगे बढ़ता था, और ऐसा उसने बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, काफी लोग हैं जो उसके जान पहचान के जो जो कस्में खाते हैं, जो उसको जानते हैं, उनके लिए वो करता था ऐसा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और वो बोलता भी था, मैं मेरे को वो उसकी वॉइस बहुत पसंद थी, तो कितने गानों के अंदर मैं उसको बोलता था, तो बोलता है हंस के बोलता, बोले यार साजिद भाई अपन म्यूजिक डायरेक्टर, अपने पास पावर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे गाने अब, तो मैं बोला करा कर क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है, गाया कर। बोले नहीं नहीं यार, बोले ये सिंगर लोग भी थे हमारे दोस्त हैं, बोले तो ये पता चला क्या सोचेंगे,
कि बोले ये गाने लगा तो सब बढ़िया बढ़िया, बोले नहीं नहीं अच्छे अच्छे गाने वो सबको देता था, और कभी कोई कोरस के अंदर वो आ जाता। कितनी पिक्चरों के अंदर आप देखना कि वाजिद कोरस में गा रहा है और उसने अपने गाने दूसरों को दिए। नहीं, I loved his voice. I loved his voice. जो मैं तो मुझे आवाज बहुत बहुत पसंद थी, बहुत ही आई थिंक शहजादा था, शहजादा मेरा भाई शहजादा। नहीं एब्सोल्युटली। तो ये 14 पे जो आपका गाना आ रहा है कुछ उसके बारे में बताएं, मोहित चौहान ने गाया है। जी मोहित चौहान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मोहित को बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और दिल से प्यार करता हूँ मोहित को। मोहित मेरा फेवरेट सिंगर है, और मेरी एक फोन कॉल के ऊपर मोहित तो यहाँ पर था भी नहीं, वो मनाला में कहीं बैठा हुआ है और क्वारंटाइन हुआ है, मगर उसको जब पता चला, और वाजिद के इंतकाल के पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब उसको ये पता चला तो उसने मेरे को एक ही बात बोला, मैं बोला यार मैं हमारा चैनल खोल रहा है तेरे को कोई एतराज तो नहीं, क्योंकि आजकल सब लोगों के चैनल खुल रहे हैं, ये खुल रहे हैं, सब लोग अपना अपना करते हैं। तो उसने मेरे को एक बात बोला, बोले यार साजिद भाई कैसी बात करते हो, बोले आप लोगों का गाना मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है, और बोले चाहे फिर वो चैनल में हो या किधर भी हो कहीं पे भी हो, तो साजिद वाजिद का गाना है, आई वॉन्ट टू बी देयर। एंड मोहित एक आवाज में वो मान गया, एंड हमने ये गाना बनाया अभी जीत जाएंगे हम। ये इस गाने के अंदर कुछ लिरिक्स ऐसी है जो मैं और वाजिद पर्सनली हम लोग बात करते थे हॉस्पिटल में, कुछ इस तरीके का है। और ये गाना मैंने उसको आखिरी गाना मैंने मतलब ये उसको सुनाया था कि मैं मतलब वाजिद अपन ये कर रहे हैं, और ये बहुत पहले निकलने वाला था ये वाजिद के टाइम, जब ईद पे मेरा जावेद अली ने ईद का गाना गाया था तो उसके बाद ही आने वाला था, मगर फिर उसकी तबीयत खराब हो गई और वो गाना रुकता गया और वो घूम फिर के अब आ रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस, एंड मोहित चौहान हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। मतलब जितने भी लोग उस गाने से जुड़े हुए हैं, आदित्य देव है, अकुल है, आप अल्लाह भला करे ये कुणाल वर्मा है जो बहुत अच्छा गाने लिखते हैं, ये सब लोग हैं। साजिद भाई जो आपका एज म्यूजिक डायरेक्टर डुओ जो आप लोगों की जर्नी रही है, बहुत ही कमाल की आप लोगों की जर्नी रही है, आप कैसे याद करते हैं उसको? अगर हम एक बात बताएं फरीदुन, हम दोनों भाइयों ने कभी भी हमको ये नहीं रियलाइज हुआ कि हम कोई बहुत बड़े आदमी हैं या हमारा बहुत नाम है। आप अगर नोटिस करो तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें हिट हुई हैं मगर हमने कभी पब्लिसिटी नहीं करी। सब लोग हमको बोलते थे अरे आर्टिकल डलवाओ, अरे ये करवाओ, अरे वो करवाओ, मगर हमारे पापा बोलते थे कि जब काम बोलता है तो खुद बोलने की जरूरत नहीं है। और क्या होता है जब आप बोलने लगते हो तो आपके बोलने में पता नहीं आप किस माइंड में हो, क्या गलत निकल जाए। दुनिया को आपकी अच्छाइयों से लेना देना है, आपकी बुराइयों से नहीं। तो आप अपनी अच्छाइयां दुनिया को दीजिए, उनको सबक दीजिए, उनको इंस्पिरेशन बनिए। और इस वक्त मैं अभी क्या बताऊं, मुझे घबराहट भी होती है क्योंकि जब पहले मैं थोड़ा सा जब ना इत्तेफाकियां जब होती थी तो वो मुझे संभाल लेता, अब मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। तो मुझे एक चीज का ये भी डर है कि तो मैंने अपने आप को बहुत कवर्ड कर लिया है, मेरा मिलना जुलना बहुत कम लोगों के साथ है, और कहीं ना कहीं मैं अपनी जिंदगी को है ना, वाजिद जो जो चीज मुझसे चाहता था और जो जो चीज वो बोलता था मुझे, मैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को उस तरीके से ढालना चाहता हूँ, उस तरीके से रहना चाहता हूँ। मुझे हज करना है वाजिद के लिए, वाजिद को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग दोनों भाई मिलके वो हज के लिए जाएंगे और एंड तक के, तो मुझे अब उसके लिए भी हज करना है। और मैं वापस से अपने इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाए कि मैं अपने घर वालों, अपने यार दोस्तों को सबको लेके हज पे जाऊँ और वाजिद के लिए भी हज पूरा करूँ। साजिद भाई आप लोगों की म्यूजिकल जर्नी के बारे में आई थिंक डिटेल में मैं बात करना चाहूंगा आपसे, बट आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त आप बहुत ही मुश्किल दौर से अभी भी आप गुजर रहे हैं, एंड आई थिंक वी शुड वेट फॉर दैट एंड बट लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों का जो म्यूजिक का आप लोगों का जो एक बहुत ही कमाल का सफर रहा है, उनको डिटेल में हम लोगों को उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए और आपके जो फैंस हैं वो देख पाए और सुन पाए कि क्या कमाल के आप लोगों ने गाने आपने दिए हैं, मेलोडियस और तड़कते भड़कते और पॉपुलर एंड क्लासिकल बेस्ड, बहुत ही वाइड रेंज है आप लोगों का। जी जी वर्सटाइल। सो वी विल डिस्कस दैट, we will definitely, I think we will explore that in another episode because already I can understand ki is waqt aap bahut emotional ho rahe hain, which is understandable. Main personally matlab to be honest main koi unse bahut baar main unse mila nahi tha lekin mujhe ek connect tha unke sath, matlab mujhe main bahut se logon ke bare mein shayad wo nahi keh sakta hu lekin ek there was a connection with him
जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे इंसान थे और जो भी कहते थे वो उसको मीन करते थे, ऐसा नहीं था कि बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कुछ है वो उसको मीन नहीं करते हैं, तो ये उनकी एक बड़ी खासियत थी कि बहुत ही दिल से बात करते थे, मोहब्बत से बात करते थे, सिंसियरली बात करते थे। एंड ऑल आई कैन से इज दैट साजिद भाई अपने काम में बहुत सीरियस था, अपने जी बिल्कुल बहुत ज्यादा अपने काम में सीरियस था और वो जैसे आपकी इज्जत करता था, वो उसकी नजर में ये था कि काबिल लोगों आपके मीडिया के अंदर भी आप जैसे इंटरव्यू लेते हो ऐसे इंटरव्यू में बहुत सारे बेवकूफ लोगों से भी हमारा पाला पड़ा है, तो वो वहां पर भी और मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था, तो मतलब ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ा जिनको हमारा नाम तक भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और वो कौन है, तो वो ऐसा आदमी क्या इंटरव्यू लेगा, तो वो उसको जैसे आप जैसे हैं वैसे उसके जो दोस्त हैं जो इंटरव्यू लेते थे उनमें से जो काबिल लोग होते थे उनकी वो बहुत इज्जत करता था और मेरे को बोलता था, बोले साजिद भाई ये इंटरव्यू इंटरव्यू वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारा एक एक वो चिड़ बनी, मैं ज्यादा इंटरव्यू देता नहीं इसी रीजन की वजह से, तो वो बोलता था मेरे को। और आपका जब इंटरव्यू आ रहा था तब भी उसने मेरे को ये बोला था, बोले साजिद भाई इनके इंटरव्यू बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत पढ़े लिखे और रिसर्च करके ही आते हैं, तो आराम से इनसे बात करना। तो मैं बोला अच्छा, तो वो बोलता था बोले ये बहुत नॉलेजेबल है, काबिल आदमी है, तो खैर आपकी इज्जत भी करता था। और मेरे ख्याल से हमारे आखिरी साथ में जो इंटरव्यू है वो मेरे ख्याल से आपके साथ ही था, या आपका सेकंड लास्ट है या लास्ट इंटरव्यू हमने साथ में किया था। नहीं नहीं, बड़ा I'm very lucky that I was able to do it. But Sajid भाई, आप अपना ख्याल रखिए, आप आपकी अभी फैमिली की पूरी सब लोग everyone they are looking up to you right now. And आपकी वालदा के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं, आपकी सब अपनी वाइफ को आप प्लीज मेरी तरफ से आप सलाम कहिएगा। आई थिंक आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, जो उन्होंने किया है आई थिंक बहुत कमाल का उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। इंशाल्लाह उनकी बहुत लंबी उनकी उम्र हो और सेहत के साथ में। जरूर जरूर, मगर जैसे कि मैं फ्रैंक को मैं आपसे एक जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे को आपका और वो सोनू निगम वाला इंटरव्यू जरा सा भी पसंद नहीं आया, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर वो मुझे वो जो खैर आपकी कोई गलती नहीं है, मगर सोनू साहब ने जो कुछ भी बोला वो मुझे बहुत तकलीफ दी। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट या इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट, यू टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।